अब दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है बेटा अपने पास, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन को लेकर, ठीक है ना? कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। तो पहले आप ऐसा समझिए, अभी तो यहीं पे जहाँ पर हैं आप उसी जगह की बात कर रहा हूँ, फिर स्फीयर पे भी लौटेंगे, बट पहले मैं वहीं की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप हैं अभी, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो आपका ये है इस तरह की फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ठीक है ना? ये भी सही थी अपनी वैसे, इसमें भी कोई नहीं, ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है आपकी और ये किसी डायरेक्शन में ऐसे पॉइंट कर रही है, ठीक है ना? तो एक प्लेस पर बहुत सारे वर्टिकल प्लेन्स हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप इस चीज को? एक प्लेस पर ये समझते हैं बहुत सारे वर्टिकल प्लेन्स हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन मतलब जो आपकी सरफेस के परपेंडिकुलर पर बना सकते हैं वैसे बहुत, ठीक है ना? तो एक वर्टिकल प्लेन ऐसा भी होगा जो कि आप इस मैग्नेटिक नीडल को कंटेन कर रहा हो, ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल है आपकी जो मान लो इस तरीके से पॉइंट कर रही है, जरूरी नहीं तो जनरल केस ले रहा हूँ, हॉरिजेंटल से कुछ टिल्टेड है या एंगल पर है हॉरिजेंटल से। तो इस जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का जो वर्टिकल प्लेन है, ठीक है ना, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का जो वर्टिकल प्लेन है दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना? इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे वर्टिकल प्लेन्स के थ्रू जा सकते हैं ना, ऐसे भी घूम सकती थी, किसी भी तरफ हो सकती है। तो ऐसे किसी में हैंग है तो आप इससे परपेंडिकुलर पास होने वाला एक प्लेन होगा जिसमें मैग्नेटिक नीडल होगी, वो परपेंडिकुलर प्लेन उस प्लेस पर क्या कहलाता है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है, ठीक है ना? और एक आपका जो होता है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इधर है, मान लो आपकी ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ठीक है ना? तो इस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अगर है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, मान लो आपका इस तरह से है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ, ठीक है? तो इससे भी एक परपेंडिकुलर प्लेन पास होगा हमेशा, किधर भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को कंटेन करने वाला एक परपेंडिकुलर प्लेन हर जगह होता है। तो ये दो परपेंडिकुलर प्लेन आ रहे हैं, एक तो जो मैग्नेटिक नीडल को कंटेन करने वाला परपेंडिकुलर प्लेन है और दूसरा आपका नॉर्थ साउथ को कंटेन करने वाला परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है? तो ये नॉर्थ साउथ को कंटेन करने वाला परपेंडिकुलर प्लेन ये क्या कहलाता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाता है, ठीक है? और इस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को कंटेन करने वाला वर्टिकल प्लेन क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। समझ रहे हैं आप? दो टर्म है, एक तो है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एक है आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और एक आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो ये आपको क्लियर हो गया क्या, दो वर्टिकल प्लेन की बात है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन पॉसिबल है, बट मैं इन दो पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को कंटेन करने वाला और एक आपके नॉर्थ साउथ को कंटेन करने वाला। अगर आपकी ये मैग्नेट यहाँ टिल्टेड नहीं होती, ठीक है ना, ये बिल्कुल एक्सेस से कोइंसाइड करती होती तो ये प्लेन सब सेम हो जाते हैं आपके, ठीक है ना? तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन बिल्कुल सेम हो जाते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए जो आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, हाँ, नॉर्थ साउथ को कंटेन करने वाला ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को कंटेन करने वाला मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैं इसको एक बार ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये पिक्चर से आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? इस तरह की पिक्चर है ये मान लो इस तरह की है, ये एक प्लेन हो गया जो मान लो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो इसमें दो कंपोनेंट कर दिए मैंने अब मैग्नेटिक फील्ड के इसमें, ठीक है? और इससे किसी एंगल पर आपका ये दूसरा प्लेन है नॉर्थ और साउथ को कंटेन, ये जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन, ठीक है? और ये यहाँ पर जो आपकी मैग्नेटिक नीडल थी वो थी किसी एंगल पर हॉरिजेंटल से, तो उसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं। तो ये होता है एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? और ये क्या होता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हैं? तो ये डायग्राम, ये पिक्चर दिमाग में रखिए आप, ठीक है ना? कि दो वर्टिकल प्लेन्स हैं, दोनों के बीच कुछ एंगल भी है, ठीक है? तो अब इनको, अब
ये आपको प्लेन्स, ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये आपका जोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। तो अब इनमें ये अगर आपको समझ में आ गए हैं तो हम इसमें से एलिमेंट भी समझ सकते हैं। देखो